गलक लोग उठा के और कपड़ा उपड़ा खोलक लोग और हमरा साथ एक जना गलत कर लियो एक जना वीडियो बना रहा था बेटा के सोचे के चाहिए कि हई बाप पिटिया हई काहे हम बेटी के संग करा ताकि कु करा ना करे के चाहिए ओकरा जब बोलाई तब बुत चल जाओ जब बोलाई तब बुत चल जाओ आई खेता की गइल बिया बाला बस्ती नतिया उठा के कहले बाटे डाले खातिर फिर से हमरा कलक लोग के फिर से आई है ना तो वीडियो वायरल करे अच्छा बोलक लोग भी फिर से आई है हां ना तो नाइ बे तो वीडियो वायरल करे तो फिर से हमरा के बोलक लोग तुम ना गनी तो हमर वीडियो वायरल कर देलो लाइन चाचा पिटिया लागता बाप पिटिया लागता नतिया के बेटा तो कहे सन कहे के हटे हैं बेटी के हमरा कुकरम करे के हटे बेटी के तो हमरा जिंदगी बर्बाद कर देलस आ बियाह शादी न त ना होई कि हो बियाह शादी ना होई कि होई वीडियो वायरल करत त कहता तोर बियाह शादी ना होके हम तोरा तोरा हमरा संग तोर बेटी ना आई त तोर बेटी के हम बियाह शादी ना होके दे वायरल कइले बाटे चाचा चाचा लेकिन त तोरा चाचा से बात उत भी होतलो बोलो शर्मा मत बोलो जो भी बात हां हो रहा था पहले से हां तो कितनी बात उतना कर रही थी इसीलिए मुझे वो पीछा पड़ गया था तब क्या चाहती हो 15 वर्ष की लड़की शौच करने के लिए बाहर जाती है उसी के गांव के दो लड़के जो हैं इसको उठा ले जाते हैं उठाने के बाद इसके साथ गलत करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसमें से एक लड़का है वो इस लड़की का चाचा लगेगा और जो चाचा का दर्जा होता है बाप का दर्जा दिया जाता है और उसने केवल ना इसके साथ गलत ही किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया वीडियो इसलिए बनाया कि उसके उसके साथ दोबारा गलत करे और ऐसा किया भी जब इस लड़की को दोबारा इलो बुलाया तो ये जब नहीं गई तो गुस्से में आकर उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। अब ये लोग जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और चलिए जानते हैं कि पूरा मामला हुआ तो हुआ कैसे। क्या नाम कैसे क्या हुआ नाम सच कर गई रही नु तो लोग उधरी रहे हमर का पकड़ के चाकू दिखाए कपड़ा खोल ओइल और हमारे साथे गलत कइलन के एक जना विक्रम क्या लगता है विक्रम ओ चाचा चाचे हां और एक दूसरा वीडियो बना रहा था पहला वीडियो बना बोल रहा था कि फिर आओगी फिर दूसरी दिन आओगी नहीं तो वीडियो डिलीट कर ए थे वायरल कर दूंगी मैं नहीं आओगी तो हां हां तो मैंने मां को बताई वो उस दिन का चोग हो गया था मैं फिर से बुला रहा था तो माइक में बताई तो माइक पे बोल रहा था माइक बताई हो तो मैं फिर अब वीडियो वायरल कर देता हूं तो पूरा वीडियो वायरल कर दिया वो तो ये विक्रम से तुम्हारी बात होती थी क्या नहीं हां नहीं अभी तो बोल रहे थे कि होता है बात मैंने वो अभी जी घर बात मैंने बात हां कितना दिन बात करते हैं तो छोड़ दे ले रहे हैं बात करने बात अच्छा बात हो रहा था हां बात कर छोड़ दे ले रहे हैं हां तो फिर वहाँ ये लोग कैसे तुमको देख ले वहाँ जाते हैं वो लोग 9 बजे रात के उधर खा पी रहा था इसलिए मैं सोच करने गया था मैं वो लोग का नहीं देखा वो लोग मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ गलत किया वो लोग उसके बाद तो चकुआ को भी आया था मेरे ऊपर और बोल रहा था कि जिसको मम्मी के बताओगी तो फिर से वीडियो वायरल करूंगा तुम्हारे तो फिर से मेरे को बुला रहा था तो फिर मैंने कहा जा रहे तो वो लोग बैठा रहे लोग चाकू के बल पर हमारे ले गलत लोग उठा के और कपड़ा उपड़ा खोलक लोग और हमरा साथे एक जना गलत कइल एक जना वीडियो बना रहा था वीडियो कहले बनाते डाले खातिर फिर से हमरा कलक लोग के फिर से आई है ना तो वीडियो वायरल करे अच्छा बोलक लोग भी फिर से आई है हां ना तो नाइ बे तो वीडियो वायरल करे तो फिर से हमरा के बोलक लोग तुम ना गनी तो हमर वीडियो वायरल कर देलक लोग मुक्का लगहिन विक्रम तहा चाचा चाचा लेकिन तरह चाचा से बात उत भी होतलो बोलो शर्मा मत बोलो जो भी बात हां हो रहा था पहले से हां तो कितनी बात उतना कर रही थी इसीलिए मुझे वो पीछा पड़ गया था तब क्या चाहती हो तुम उसको भी ऐसा ही साझा मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ तो ये जो तुम्हारा ये रिश्ते में चाचा लगेगा तो ये वो लड़का एक और कौन था वो भी चाचा लगेगा वो भी अभिषेक था हां तो वो क्या बोला वो बोला कि वो भी करना चाहता था मेरे साथ में मैंने नहीं किया था वो मेरे को वीडियो बना लिया और बोल रहा है कि वीडियो वायरल करूंगा तुमको कब पता चला कि तुम्हारा वीडियो वायरल जब वायरल कर दिया तब मुझे पता चला कौन दिखाया ओ विक्रम ने वायरल किया।
चाची कैसे का बोल 9 बजे रात के यहां बेटी शौचालय करे गईली तो उन्हें बैठा रहे लोग जबरदस्ती उठा के ले गईला से लोग कहला से लोग कहली हमरा से कहली कि माँ देख हमरा के हेंगा हेंगा कहले बालू ऐसा नहीं चाचा जब लागा था नतिया के बेटा तब तो बाप समान लागा था कि नहीं खेला तो करा कहे के चाहे नु कि हाँ हमारे बेटी ही बेटी काहे बेटी के हमें काहे करा था नहीं तब फिर भी बेटी के हमारा फेन कहला कि फेन आई बे ते माई से कहा बे तब फेन हम तो वीडियो वायरल करें तो हमरा से कहला तो हम कहने की चुपचाप रहा फेन बाद में देखल जाए ओकर बाद फेन हमारा बेटी के कहला कि हाँ ते चल चल तो हमारे बेटी ना गए नतिया के चल फेन बोल तो हमारे बेटी ना अच्छा बतलाई हूँ चाचा पितिया लागता बाप पितिया लागता नतिया के बेटा तो कहे चन कहे के हटे है बेटी के हमारा कुकरम करे के हटे बेटी के तो हमारे जिंदगी बर्बाद कर दिलस आ बियाह शादी में तो ना हो कि हाँ बियाह शादी ना हो कि हाई वीडियो वायरल करता तो कहता तोर बियाह शादी ना हो हम तुरा तुर हमारा संग तोर बेटी ना आई तब तोर बेटी के हम बियाह शादी ना होके दे वायरल कैले बाटे तो जब बाप पितिया लागत तो बाप पितिया के नतिया के बेटा के सोचे के चाहे नु के हई बाप पितिया हई काहे हम बेटी के संग करा तनी कु करम न करे के चाहे ओकरा ई का चात्र लगी हमेशा उनकर हां यार जब बोलाई तब बुत चल जाओ जब बोलाई तब बुत चल जाओ आई खेता के गइल बिया बाला बस्ती नतिया उठा के कहले बाटे अच्छा हम प्रशासन प्रशासन करे के जे के हमरा बेटी के इज्जत लूटे बा ओ नतिया के इज्जत लुटाई के चाहिए हम केकरा को हम के मुंह केकरा के देखा हम ओकरो कोई सही मिले के चाहिए सजा हम केकरा का मुंह देखा हम चाचा लागे लन हमरा के हम कोई ले बार ले जाके जबरदस्ती उठा के अब का चाहता है फांसी से हो हाँ तो मैं यही खबर आपको दिखा रहा था सिवान जिला अंतर्गत भगवानपुर हाल थाना का एक गांव है जिस गांव के दो लड़के इस लड़की को उठा ले जाते हैं शौच करने ये जाती है तो उठाने के बाद इसके साथ गलत है करते हैं और गलत ही नहीं करते हैं इसका वीडियो भी बनाते हैं इस मनसूबा से बनाते हैं कि दोबारा इसके साथ फिर गलत करें जब ये लड़की को दोबारा वो लोग बुलाते हैं दोबारा लड़की ये नहीं जाती है इसका गुस्से में होकर उस वीडियो को वायरल कर देते हैं। देखिए वायरल वो करते हैं इस मुंसिबे से कि वो दोबारा फिर मेरे पास आए। लेकिन एक सोचिए कि एक 15 साल की बच्ची जिसकी अभी शादी होने की है उसको अभी आगे बढ़ना है और इस तरह से उस घटने को वो अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज हमारा किस तरफ जा रहा है। सोचिए वो लोग किए हैं जो इसके रिश्ते में चाचा लगेंगे, चाचा बाप का दर्जा दिया जाता है इस समाज में और वही इस तरह से करे तो समाज हमारा कहाँ जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जो भी इसमें गलत है जांच करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ताकि दोबारा कोई ऐसे करे जैसे पहले 20 बार सोचे। जय